हम शिल्पी शिल्पी सिन्हा बिहारी किचन में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल साग का रेसिपी। इसके लिए जो हम सामग्री लिए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम आधा किलो लाल साग लिए हैं, इसका हम डंठल हटा दिए हैं, पत्ता ले लिए हैं, इसलिए कि डंठल में रेशा होता है। और इसको हम छोटा छोटा काट लिए हैं, काट कर इसको हम 4-5 पानी से धो लिए हैं और धो कर हम छान लिए हैं। और हम उसके लिए फिर फोड़न का सामान लिए हैं, तो हम 4 जो लहसुन का लिए हैं उसको छोटा छोटा काट लिए हैं, 2 लाल मिर्च लिए हैं, आधा चम्मच हम पीली वाली सरसों लिए हैं, छोटा सा अदरक लिए हैं इसको छोटा छोटा काट लिए हैं, और 1 चम्मच हम नमक लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं इसको हम छोटा छोटा काट लिए हैं, 1 प्याज लिए हैं इसको हम छोटा छोटा काट लिए हैं, और 2 हरी मिर्च लिए हैं इसको भी हम छोटा छोटा काट लिए, और हम सरसों का तेल लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बता रहे हैं बनाने की विधि। हम चूल्हा को ऑन करेंगे, कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं, चूल्हा को ऑन करेंगे। कढ़ाई 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ज़्यादा सरसों का तेल इसमें नहीं पड़ता है, 2 चम्मच, 2 टीस्पून बहुत है। अब हम इसमें फोड़न डालेंगे। तो लहसुन काट कर रखे हैं ये हम डालेंगे, अदरक डालेंगे, ये लाल मिर्च डालेंगे, अरे सरसों डालेंगे। ये सब जब लाल हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है, अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे जो हम काट कर रखते हैं, और प्याज डालेंगे। ये जब थोड़ी सी लाल हो जाएगी तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, साग में कोई ज़रूरी नहीं है हल्दी डालना। और हम टमाटर डालेंगे, नमक जो हम रखते हैं वो नमक डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ा देर के लिए हम चूल्हा का फ्लेम को धीरे कर देंगे। और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, तब हम इसमें साग डालेंगे। देखिए अब टमाटर अच्छा तरह से गल गया है, इसको ऐसे ऐसे पूछ दीजिए। और अब हम इसमें साग डाल रहे हैं, देखिए साग एकदम सूख गया, इसका पानी हम छान लिए थे। और इसको हम चला देते हैं। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम कर ढक देंगे। अब हम इसको ढक देते हैं और फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। अब 5 मिनट को हम इसी तरह छोड़ेंगे, तब हम फिर इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे। देखिए वो ढक्कन हटाकर देख रहे हैं, साग अच्छी तरह से बनकर तैयार है। पानी इसमें नहीं है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा साग। अब हम चूल्हा के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और कढ़ाही को हम चूल्हा पर से नीचे उतार रहे हैं, सर्व करेंगे अब हम। अब आप इसे किसी को भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे किसी को भी सर्व कीजिए, इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से रख दीजिए। अब इस पर
आपको सर्व करना है तो इस पर धनिया का पत्ता छोटा छोटा काट लिए हैं, इसको छिड़क दीजिए। ये हरी मिर्च हमें काट लिए हैं, इसको ऐसे छिड़क दीजिए इस पर, अच्छा लगेगा। और एक नींबू रख दीजिए, जिन्हें भी नींबू अच्छा लगता है वो नींबू डालकर भी खा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। शिल्पी सिन्हा बिहारी किचन, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।